बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो प्रथम आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया था उसमें सुधार के पश्चात अब सभी परीक्षार्थियों का द्वितीय डमी पंजीकरण कार्ड अर्थात कि द्वितीय आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जारी कर दिया गया है। इंटर के लिए पहले ही अपडेट आ चुका था लेकिन यहाँ पे मैट्रिक के लिए भी अपडेट है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो आपका द्वितीय रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है उसको कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है और ऑफिशियल अपडेट में क्या बताया जा रहा है। देखिए चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपका डमी पंजीयन कार्ड अर्थात डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले भी जारी किया गया था, फिर अब दोबारा जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ताकि जो भी छात्र छात्राएं प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी त्रुटि था उसको सुधार कराए थे तो वो इस द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करके देख लेंगे कि इसमें कोई त्रुटि तो और शेष नहीं रह गया है। और जो भी विद्यार्थी प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मान लीजिए डाउनलोड किए थे और उसमें कोई त्रुटि नहीं था तो उनको अपना द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी डाउनलोड करके फिर से देख लेना है कि उसमें कोई और त्रुटि तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये बार बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दो दो बार आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का जारी इसीलिए कर रहा है क्योंकि हर अपडेट में देखिए स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आपका इसी में सुधार का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके बाद अब कुछ दिन बाद आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा या एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें त्रुटि सुधार का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जल्दी से अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर कोई भी त्रुटि है तो जो हम लोग तिथि की चर्चा कर रहे हैं उस तिथि में जाकर अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके आप सुधार करा सकते हैं। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो इसलिए आपको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया, आपको सिर्फ डाउनलोड करके देख लेना है। कोई भी त्रुटि नहीं है द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी तो आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड होगा। तो यदि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी अर्थात कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आज जारी किया गया है और 13/7 तक आपके लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। और 13/7 तक अगर उसे आप डाउनलोड करके देखते हैं उसमें कोई भी त्रुटि है तो जैसे कि आपके नाम में माता पिता के नाम में कोई छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक या फोटो जन्म तिथि जाति धर्म राष्ट्रीयता लिंग विषय में कोई भी त्रुटि है तो 13/7 तक इसमें आप सुधार करा सकते हैं। तो मैट्रिक के परीक्षार्थियों को यही समझना है कि आज आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो रहा है, 13/7 तक इसे आप अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी त्रुटि है तो अपने विद्यालय में संपर्क करके सुधार करा सकते हैं। तो अगर आप इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका भी द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है और इंटर के परीक्षार्थियों का द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका डाउनलोड करने और सुधारने का तिथि है 10/7 तक, अर्थात कि अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो 10/7 तक आपको डाउनलोड करके देख लेना है आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। अगर उसमें सेम जो मैट्रिक वाला त्रुटि की बात कर रहे थे वो सेम अगर त्रुटि आप में भी दिखाई दे रहा है तो 10/7 तक अपने +2 विद्यालय या महाविद्यालय में संपर्क करके आप सुधार करा सकते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि जो प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था और जो द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसमें क्या क्या त्रुटि है, तो देखिए प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सिर्फ आपका यहाँ पे लिखा गया था डमी पंजीयन पत्रक यहाँ पे 2023, वहीं पे जो द्वितीय आपका सूचीकरण प्रमाण पत्र अर्थात कि सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि अगर मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं इंटर के, इंटर का डेट है 10/7 तक और मैट्रिक का है 13/7 तक, तो कैसे इजिली अपने मोबाइल फोन से आसानी से अपना द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देख लेंगे कोई भी त्रुटि नहीं होगा तो आपको अपने विद्यालय महाविद्यालय में नहीं जाना, अगर त्रुटि होगा इस सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में तभी जाकर आपको सुधार कराना है। तो आपको अपने सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी या इंटर के उसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कर दीजिए। आपके सामने सबसे ऊपर सर्च रिजल्ट आएगा, जो स्पेलिंग लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर वहीं टाइप करके अगर आप सर्च करेंगे तो arcarrierpoint.com वेबसाइट, सिंपल सा आपको इस arcarrierpoint.com वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सबसे ऊपर मिल जाएगा देखिए एडमिट कार्ड का सेक्शन। अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए सबसे ऊपर अपडेट है कि BSEB 10th सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है उसके बारे में एक एक जानकारी यहां पे आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्या क्या त्रुटि आप सुधार करा सकते हैं, कब जारी किया गया है तो आज, कब तक डाउनलोड करने का अंतिम तिथि है तो यहां पे देखिए 13 जुलाई 2023 तक अर्थात 13/7
साथ तक इसे आप त्रुटि सुधार करा सकते हैं या डाउनलोड करके देख सकते हैं। किस रूप में आपका डाउनलोड हो रहा है, तो इसी रूप में लिंक एक्टिव हो रहा है। आपको स्कूल कोड चाहिए डाउनलोड करने के लिए, जैसे आप प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना डाउनलोड किए थे, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और सर्च बटन पर क्लिक करना है, आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिंक देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सेकेंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ पर है लिंक वन और लिंक दो। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करना है, जैसे मैंने आपके सामने लिंक वन पे क्लिक किया, के सामने आपके सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डाउनलोड यहाँ पे लिंक देखिए एक्टिव हो गया। यहाँ पे आपको फिर स्कूल कोड अपना टाइप करना है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। और जैसे ही ये सभी चीज टाइप करके आप सही से और इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, के सामने कुछ इस तरह आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। 13-7 तक मौका दिया गया है मैट्रिक के परीक्षार्थियों को सेकेंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का और उसमें त्रुटि सुधार का। यहाँ से आकर जैसे मैंने दिखाया वैसे डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर अगर आप इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, देखिए मिल जाएगा आपको दूसरे नंबर पोस्ट पे बिहार बोर्ड इंटर सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024। सिंपल सा आपको इंटर वाले पोस्ट पे क्लिक कर देना है और उसी तरह मैट्रिक की तरह यहां पे इंटर के द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक एक जानकारी यहां पे दिया गया है, क्या क्या सुधार करा सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, डेट वगैरह, अंतिम तिथि यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, किस रूप में लिंक एक्टिव हो रहा है, यहां पर सभी जानकारी है। बस डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए आपको भी मैट्रिक की तरह लिंक दिया गया सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड लिंक वन और लिंक दो। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज कोड टाइप करना है, यहाँ पे आपको अपना संकाय जो भी है साइंस कॉमर्स आर्ट्स यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिंपल सा आपको इस व्यू बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए एक छात्र का मैं यहाँ पे सभी जानकारी भर के और व्यू बटन पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही इस तरह सभी जानकारी आप सही सही भर के यहाँ पे ऊपर कॉलेज कोड, यहाँ पे अपना फैकल्टी साइंस कॉमर्स आर्ट वोकेशनल, नाम, पिता जी का अपना नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह आ जाएगा एक बॉक्स, यहाँ पे बोला जाएगा टिक करने के लिए, यहाँ पे टिक करके और सिंपल सा ये डाउनलोड रिपोर्ट है इस पे आपको क्लिक कर देना। देखिए मैंने आपके सामने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना है। सही, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने देखिए आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड इस तरह डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो नीचे प्रिंट बटन आपको मिल जाता है, इस पे क्लिक करके पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो जो भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ पे arcareerfy.com वेबसाइट के एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में ये लिंक एक्टिव है। यहाँ से अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो अपना द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड की सभी जानकारी उसके साथ साथ यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसी तरह इंटर का लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आकर अंतिम मौका है, डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपका सेकेंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर डाउनलोड हो रहा है तो उसमें सभी जानकारी सही है कि नहीं। अगर जानकारी सही नहीं है तो इस पे जो भी तिथि बताया गया उसमें निर्धारित तिथि में अपने प्लस टू विद्यालय या महाविद्यालय में संपर्क करके आप सुधार करा सकते हैं। तो यहां से आकर डाउनलोड करके जरूर एक बार देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।